मोरे जिया। जी एक्चुअली मुझे आज ही पता चला कि आपकी मंगनी वंशिका दीदी के साथ हो रही है। मुझे भी आज ही पता चला कि तुम्हारी एंगेजमेंट यश से हो रही है। ये भी पता चला कि कल रात कैसे असद तुम्हारे घर चाकू लेकर, मैं तो उसे शरीफ समझता था लेकिन तो क्रिमिनल निकला। असद क्रिमिनल नहीं है, एटलीस्ट आप तो ऐसा मत बोलिए। मैं जानता हूँ सत क्रिमिनल नहीं है, एंड आई एम ग्लैड कि तुम ऐसा सोचती हो। असद तुम्हारे घर तब तक नहीं आएगा जब तक कि तुम ना चाहो। जानती हो राधिका, रोज डे पर तुम्हें प्रपोज करने की तैयारी मुझसे शेयर की थी असद ने, फिर बाद में पता चला कि तुम्हारी मंगनी हो रही है, लेकिन ये नहीं पता था कि यस से हो रही है। राधिका एक बात याद रखना कि अगर जिंदगी में किसी से प्यार करती हो तो उसे पाने में देर मत करना। लड़कियां अक्सर यही गलती करती हैं, अपने प्यार को पहचान नहीं पाती और जब समझ आता तो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती। मैं भी कैसी लड़की को जानता हूं। अरे रुको, प्रेम तू निकल, मैं संभालता हूं। निकल, अरे रुको मैडम। सुनो मेरी बात, सुनो ना। वो उसको रोको मत, वो स्वासीयाम की असिस्टेंट है, कोई एक इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करने आए। बेटे की मंगनी में कौन से केस का डिस्कशन करना है, पागल बना रहा है? सर वो एक 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 बहुत इंपॉर्टेंट केस है सर, अपने बेटे का, मोहब्बत का। पहनाओ
क्या कर रहे हो तुम? और आज तो तुम्हारी भी मंगनी है ना, मंगनी छोड़कर या इसे एवरीथिंग ऑल राइट? राधिका इस लड़के में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। डोंट मेक मैटर्स वर्स नाउ, यहाँ इसे क्यों लेकर आई हो तुम? मुझे अपने घर में तमाशा नहीं चाहिए। जाओ लेकर जाओ अपने भाई को। मैम मैं अपने भाई के लिए नहीं, अपने लिए आई हूँ। हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? प्लीज गुरमीत कौर क्या हर जगह तुम मुझे दिखाई दे रहे हो, दरगाह में खाना बनाते हो, झाड़ू मारते हुए, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। किसी ने मुझसे कहा है कि यूं ही अगर हर इंसान तुम्हें हर जगह दिखने लगे ना, इसका मतलब उसके बिना तुम्हारी जिंदगी कुछ नहीं है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? कपाल की अनरोमांटिक हो यार। ऐसे ही हूं मैं, अनरोमांटिक। आगे तुम्हारी मर्जी, चाहो तो मंगनी कर लो या फिर ये बहुत जरूरी था तुम्हें बताना कैसा हो गया। तुमने बहुत कुछ किया मेरे लिए, बहुत हेल्प की मेरी, बहुत ही बुरे डांसर हो पर तुमने भरतनाट्यम सीखा, जीवन के सामने खड़े हो तुम। पर मैंने आज तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, पर अब करना चाहती हूँ। मैं अब तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ आदर्श। तुम अगर आज आगे भी बढ़ गए ना किसी और के साथ, तो मैं ही खड़ी रहूंगी। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारे लौटने का। नया नया सीखा है सब पागल पर, धीरे धीरे सीख जाऊंगी। सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मोरे जिया